कौन से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। तो ऑब्वियसली ये दो चीज है, एक तो यूनिट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो चैप्टर का पोर्शन है ये है बैच कॉस्टिंग, और क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। ठीक है, पहला टॉपिक मैं इससे उठाता हूं, और पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा, यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक, चलो थोड़ा सा नोट्स लिखो, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को। बहुत ही छोटा चैप्टर है, चाहे यूनिट कॉस्टिंग हो या बैच कॉस्टिंग हो, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, एकदम हवा हवाई चैप्टर है। इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जो भी बच्चे लिखते नहीं है ना, देखो नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही आपको, है ना, पर आपको लिखना भी है। पढ़ते टाइम आप लिखोगे, सेल्फ कैलकुलेट करोगे, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिटेंशन पावर बढ़ेगा। ठीक, कितना भी चीजों को समझ लो, आपको याद करना ही पड़ेगा, पर वो याद करने में आधे घंटा लगेगा कि एक घंटा लगेगा कि चार घंटा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि जिस प्रोसेस में आपने समझा उस प्रोसेस को कैसे एंजॉय किया। अगर आप कर करके बनाओगे, ध्यान से सुनोगे, तो कम समय लगेगा रिविजन में, है ना। चलो, मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। जहां पे भी प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं वहां पे ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है। और करते क्या है इसमें, कॉस्ट पर यूनिट पता करते हैं प्रोडक्ट का। हमारा तो मकसद ही है कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट पता करना, लेकिन कहां पे लगाएंगे यूनिट कॉस्टिंग, जहां पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, लिखते जाओ, अभी डिकोड करता हूं मीनिंग का। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट भी ना दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होता है टोटल कॉस्ट। एग्जाम में जब पूछता है ना कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो ये टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। फिर टोटल कॉस्ट लेना है, और कौन सा यूनिट, यूनिट सोल्ड, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट किसका होता है, सोल्ड यूनिट का, तो सोल्ड यूनिट से डिवाइड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं पर यूनिट, तो यूनिट प्रोड्यूस लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। ये तो कॉस्ट शीट में हम कर ही रहे थे इतने दिनों से, है ना। चलो, ये कहां पे लगता है, किस इंडस्ट्री में, जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो, साथ ही में आइडेंटिकल कॉस्ट हो। देखो किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे सेम ही टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम में बन रहे हैं, लेकिन सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट में सेम ही खर्चा आता है, तो वहां पे एक प्रोडक्ट का खर्चा निकालना हो तो बड़ा सिंपल है। अरे टोटल खर्चे कितने हुए ये देख लो, और टोटल कितने प्रोडक्ट बने ये देख लो, और डिवाइड कर दो, तो पर प्रोडक्ट खर्चा पता चल जाएगा, है ना। कहां पे, जैसे कि एग्जांपल में देखो, एक सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ब्रिक्स बनते हैं। जरा देखना, सीमेंट के जितने भी बैग बनती होगी, है ना, एक कंपनी है कोई भी, चाहे वो जेके सीमेंट ले लो, कोई सा भी सीमेंट मान लेते हैं जेके सीमेंट कंपनी है, सीमेंट की जितनी भी बैग बनती होंगी ये सारे आइडेंटिकल ही तो होते हैं, सब में सीमेंट होता है। 50 kg का बैग है तो सारे 50 kg के होते हैं, और सारे यूनिट पे सेम ही खर्चा लगता है, क्योंकि सब में सीमेंट है तो खर्चा तो उतना ही लगा होगा ना। तो देखो, टोटल एक बैग का सीमेंट कॉस्ट निकालना हो, इसका कॉस्ट निकालना हो, तो देख लेंगे जिस भी पीरियड में चेक कर रहे हैं, अगर एक साल का डेटा देख रहे हैं, तो एक साल में टोटल खर्चे कितने लगे और कितने बैग सीमेंट बना, डिवाइड कर देंगे तो पर बैग सीमेंट का कॉस्ट आ जाएगा।
ये तभी कर सकते हैं ना जब सारे प्रोडक्ट सेम थे। अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या सबको जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं खर्चे से? नहीं। अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे तो अलग अलग कॉस्टिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट का, पर जहां पे भी प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हैं और सारे प्रोडक्ट में खर्चे भी एक जितना ही लगता है, तो उस केस में आप क्या करिए, टोटल खर्चे को जोड़ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अलग अलग इंडस्ट्री में ना अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है। ये तो मैंने यूनिट कॉस्टिंग का आपको एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल और भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे यूनिट कॉस्टिंग अभी पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग, एक और चैप्टर है आगे जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। जॉब कॉस्टिंग वहां पे लगाते हैं जहां पे प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। ध्यान से सुनना, जैसे कि जहां भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार बनाई जा रही है, कस्टमाइज बनाई जा रही है, वहां पे जॉब कॉस्टिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग करने वाली कंपनियां हैं वो तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार प्रिंट करती होंगी। जिसको जो प्रिंटिंग करानी है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का रेस्टोरेंट हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, तो प्रिंटिंग तो कस्टमाइज होगी। इंटीरियर डेकोरेशन, अगर आपने आपके घर के इंटीरियर कराने हैं तो हर एक इंसान के रिक्वायरमेंट अनुसार इंटीरियर होता है। आपको जैसा इंटीरियर कराना है वो कॉस्ट भी वैसे ही बताएगा आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट, जो कंपनियां एडवर्टीजमेंट बनाती हैं, देखो जूस के लिए एडवर्टीजमेंट अलग होता है, बिस्किट के लिए एडवर्टीजमेंट अलग होता है, यानी कि जैसा कस्टमर गया है उसके अनुसार कस्टमाइज बना के देते हैं। तो क्या अगर उनको कॉस्ट निकालना हो या कॉस्ट कोट करना हो कि कितना खर्चा लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते पूरे साल का खर्चा ले लो और डिवाइड कर दो? नहीं, हर एक प्रोडक्ट अलग है, हर एक प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार बनी है, तो हर एक प्रोडक्ट की अलग कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में 2 लाख रुपया लगाओ बनाने में, कोई प्रोडक्ट में 10 लाख रुपया लगाओ, क्योंकि प्रोडक्ट तो कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट अनुसार बना रहा है। किसी ने एडवर्टीजमेंट के लिए बोला मुझे शाहरुख खान चाहिए, तो ऑब्वियसली एड महंगा बनेगा। कोई एडवर्टीजमेंट किसी बिना एक्टर का बना लिया तो सस्ता बनेगा। तो वैसे के लिए जिस कंपनी को शाहरुख खान के साथ ऐड करवाने हैं, तो एडवर्टीजमेंट कंपनी क्या बोलेगी, महंगा पैसा चार्ज करेगी। तो जहां पे भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार जॉब होता है उसी को जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक। वहां पे जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है वो जॉब कॉस्टिंग है। वहां पे कॉस्ट निकालते टाइम हर एक कस्टमर की अपनी खर्चा जो है रिक्वायरमेंट अनुसार उसको हम लेते हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो हमें पता ही होता है, एंड इनडायरेक्ट खर्चे किसी बेसिस पे चार्ज करते हैं वो देखेंगे जॉब कॉस्टिंग में। कहीं पे प्रोडक्ट बनता है कैसे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं प्लस आइडेंटिकल कॉस्ट लगते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ब्रिक का, पेपर का, सीमेंट का, तो वहां पे लगता है यूनिट कॉस्टिंग। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो अरे जितना भी खर्चा लगा देख लो और जितने यूनिट बने देख लो, क्योंकि यूनिट सारे सेम है तो डिवाइड करेंगे तो पर कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। कहीं भी प्रोडक्ट बनता है बैच में, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सिमुल्टेनियसली। सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है, ऑडियो इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो, बट कोई नहीं, हमें अपना कोर्स समय से कंप्लीट करना है। जहां पे भी एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट एक साथ प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं बैच। वहां पे जो कॉस्टिंग मेथड लगाया जाता है उस बैच का खर्चा निकालने के लिए उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने बेकरी वाले को देखा है क्या? अब ध्यान से देखना, बेकरी में एक एक आइटम बेक नहीं होते। एक बार जब ओवन गर्म होता है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ, मान लो ब्रेड बेक करना है, कुकीज बेक करना है, तो ट्रे पे रखा जाता है और उसको एक साथ बेक करके निकाला जाता है, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे ही मेडिसिन बनता है, मेडिसिन कंपोजिशन से बनती है,
कंपोजिशन डाला, बनाया तो एक मेडिसिन आई। सेकेंड वैसे ही बैच में देखो, अलग मेडिसिन जब बनाना हो तो अलग कंपोजिशन डालनी पड़ेगी। तो हमेशा क्या होता है कि मेडिसिन भी बैच में बनता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ बैच बनते हैं एक बारी में, एक सर्टेन नंबर ऑफ मेडिसिन बनते हैं एक बैच में। ठीक, वैसे ही टॉयज वगैरह बैच में बनते हैं, समझ रहे हो। बैच का मतलब ये है जहां पे सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एक साथ बनते हैं। लोकल लैंग्वेज में बोलू तो आपने समोसा बनाने वाले भैया को देखा होगा, वो एक एक समोसा बनाते हैं क्या? नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू समोसा बनते हैं, बैच में बनते हैं हमेशा। एक बार जब तेल गर्म होगा तो 10 या 20 समोसे डालेंगे, बनाएंगे, फिर रिक्वायरमेंट आई कस्टमर, फिर 10 या 20 जितने भी वो डालते हैं एक साथ डालेंगे, बनाएंगे, बैच में बन रही है चीजें, है ना। चलो बैच कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे कॉस्ट पर बैच निकालना, ठीक है। एक बैच में कितना खर्चा लग रहा है। जॉब कॉस्टिंग में हम सीखते हैं कॉस्ट पर जॉब निकालना, कि हर एक इंडिविजुअल का जो जॉब है उसका कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक, देखो मीनिंग, एग्जाम्पल और क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं, तीन चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी तक, ठीक है। कई बार डिफरेंस पूछता है इसलिए ध्यान से सुनना एक एक चीजों को, ये वापस से कवर करूंगा मैं कहां पे, थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। चलो तो क्या करना है, यूनिट कॉस्टिंग कहां लगता है, जहां आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं आइडेंटिकल कॉस्ट के साथ। कैसे निकालना है, सारे खर्चे जोड़ दीजिए टोटल कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए जितना भी यूनिट है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है बताओ, पूरा कॉस्ट शीट आपने पढ़ लिया, उसके बाद मैं किसी बच्चे को बोलूं टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है तो ये बहुत ही मजाकिया क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस्ट शीट में हमने जैसे कॉस्ट निकालना सीखा वैसे ही निकलता है। कॉस्ट शीट में भी तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे थे, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद डिवाइड कर देते हैं यूनिट से। चलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ते हैं, यह आ जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। बस ये तो रिवीजन चैप्टर है आपके लिए, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जुड़ेगा, तो यह आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जुड़ता है, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बोल सकते हैं सर प्राइमरी पैकिंग, R&D कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब देता नहीं है, अगर दिया तो जैसे कॉस्ट शीट में पड़े वहीं पे डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यूनिट कॉस्टिंग में इतना डिटेल में कॉस्ट शीट जैसा आपको कैलकुलेशन नहीं कराएगा। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन सा, जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक। इतना आसान तो है, जो बच्चा कॉस्ट शीट पढ़ रखा है अच्छे से उसको यूनिट कॉस्टिंग कुछ भी नहीं लगेगा, उसको जॉब कॉस्टिंग कुछ भी नहीं लगेगा। चलो दो प्यारे प्यारे से नोट्स लिखो, पहला नोट से व्हेन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिकवर्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट
एज्यूम इट एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कह रहा है जब ऑफिस या फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पे रिकवर हो रहा है, डायरेक्ट लेबर के या फिर प्राइम कॉस्ट के या फैक्ट्री कॉस्ट के, ऐसा अगर क्वेश्चन में बोले तो उस फैक्ट्री ओवर, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानोगे। तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो इस क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉस्ट शीट पढ़ाते टाइम दो बार ये बात बोला था। नोट टू, कॉस्ट जो है ना इसको बिहेवियर वाइज अगर क्लासिफाई करोगे तो तीन हिस्सों में क्लासिफाई होता है। डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक जगह और इसका जिक्र आएगा। चैप्टर वन अगर आप देखोगे ना थ्योरी, तो वहां पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है, वहां पे भी पढ़ाऊंगा फटाफट, उस समय भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब थ्योरी लेक्चर कवर करेंगे। एक तो होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स्ड, ये होता है सेमी वेरिएबल, एक और होता है जो अभी तक आपने सुना नहीं होगा, सेमी फिक्स्ड। इसमें भी दो टाइप होते हैं, टाइप वन टाइप टू। खुशी की बात यह है कि सेमी फिक्स्ड आपके लेवल में है नहीं, ये है सीए फाइनल में। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीए इंटर। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन में, ये तीनों पे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, पहला क्या है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, विच वेरी विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा उतना ज्यादा, सेमी प्रोपोर्शन में, एंड प्रोडक्शन कम करोगे वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, ठीक। जैसे कि इस ग्राफ में देखना जरा, ये क्या है, मान लो यूनिट, जैसे जैसे ज्यादा यूनिट आप बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगता है, करेक्ट। जैसे जैसे यहाँ यूनिट बढ़ते जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा टोटल। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की एक बिहेवियर है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स, आइडेंटिफिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट हमें पता होता है, एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी इन टोटलिटी बढ़ती है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है। एग्जांपल के रूप में मान लेते ये है प्रोडक्शन, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपया वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तो दो यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, ये टोटल में अगर करोगे तो 30 आए 60 रुपीज, है ना। ये यहां पे लिख दो, दो यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 60 रुपीज, 10 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, पर यूनिट अगर 30 लग रहा है बनाने का खर्चा 300 रुपीज। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स रहता है, लेकिन टोटालिटी में चेंजेस विथ प्रोडक्शन, यही तो लिखा है मैंने, पर यूनिट फिक्स रहता है लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, इट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, टोटालिटी में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, ये इसका बिहेवियर है। दूसरा है अच्छा इसका एग्जांपल, तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं ना उन्हीं को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड कुछ ओवरहेड भी होते हैं जिसको वेरिएबल ओवरहेड बोलेंगे, ये सारे जोड़ दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आता है, ठीक है। चलो दूसरा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, ठीक
ठीक है। लेकिन इसका एक बिहेवियर क्या है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन या डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कहने का मतलब है यहां पे यूनिट ले लेते हैं, यहां पे फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं। फिक्स कॉस्ट अगर 1 लाख है ना, तो चाहे आप 1 यूनिट बनाओ तब भी 1 लाख लगेगा, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ तब भी 1 लाख लगेगा चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाओ तब भी 1 लाख लगेगा, ठीक है। यानी कि फिक्स कॉस्ट तो वही खर्च है ना जो फिक्स है, जैसे कि रेंट हो गई, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, है ना। तो ये जो फिक्स खर्च है, आप कितना भी बनाइए, 1 यूनिट बनाइए या 100 यूनिट बनाइए या 1 लाख यूनिट बनाइए, जो फिक्स खर्चे हैं वो इनकर्ड होंगे एक सर्टेन कैपेसिटी लेवल पे, ठीक। लेकिन जब आप पर यूनिट निकालोगे ना, तो ये देखो 1 लाख फिक्स कॉस्ट है 1 यूनिट पे, तो पर यूनिट 1 लाख हुआ, पर यूनिट 10,000 हुआ, इसको इससे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट 1 हुआ। यानी कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घटता है। यहां पे देखो ये जस्ट उल्टा था, पर यूनिट फिक्स रहेगा, टोटलिटी में चेंज होगा, यूनिट के अनुसार बढ़ेगा, ये टोटलिटी में फिक्स रहेगा लेकिन पर यूनिट डिक्लाइन होता है जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है। ग्राफ बनाया जाए तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है पर यूनिट, सॉरी इन टोटलिटी में, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो ये डिक्लाइन होते रहता है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक। चलिए थर्ड इज सेमी वेरिएबल। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जिसके अंदर फिक्स्ड भी होता है प्लस पर यूनिट कुछ वेरिएबल भी होता है। जैसे कि आपने कभी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है क्या, उसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी लगे होते हैं, है ना। चाहे आपका कंजम्पशन हो ना हो, फिक्स चार्जेस लगते ही लगते हैं, प्लस जितना यूनिट कंज्यूम किया है उस अनुसार एक सर्टेन रेट के अनुसार खर्चे भी जुड़े होते हैं कंजम्पशन चार्ज, जो कि वेरिएबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो फिक्स चार्ज है 500, अब वेरिएबल है 3 पर यूनिट, आपने कंजम्पशन किया 300 यूनिट, तो कैसे आएगा कॉस्ट। तो आपका बिजली बिल कुछ ऐसा आएगा कि जो फिक्स है वो तो लगने ही है, प्लस 3 रुपया पर यूनिट इनकर्ड होता है ना, 300 यूनिट है 3 रुपया, ये रहा। यानी कि ये जो कॉस्ट है ये सेमी वेरिएबल नेचर का है। सेमी वेरिएबल में फिक्स कॉस्ट भी होते हैं और कुछ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल। क्या लिखा है, जब कोई खर्चा सेमी वेरिएबल हो तो इसमें फिक्स्ड कितना है एंड वेरिएबल पोर्शन कितना है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। चलिए जरा आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कह रहा है 50,000 अगर यूनिट है ना तो 1.5 लाख कॉस्ट है, एंड 80,000 यूनिट है तो इतना कॉस्ट है। देखो ये खर्चा क्या वेरिएबल है, नहीं। कैसे वेरिएबल होता तो पर यूनिट सेम रहता ना, पर यूनिट निकालो जरा, ये तो 3 आएगा, और ये पर यूनिट निकालोगे तो
210,000 डिवाइड बाई 80,000 या 2.625। तो सर ये खर्चा वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल होता तो पर यूनिट सेम आता। क्या ये खर्चा फिक्स है? क्या फिक्स भी नहीं है सर, फिक्स होता तो चाहे कितना भी आप प्रोड्यूस करो टोटल में खर्चा तो सेम रहता। तो ये खर्चा फिक्स भी नहीं है, तो ये खर्चा है सेमी वेरिएबल जो प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ तो रहा है पर वेरिएबल जैसा नहीं बढ़ रहा है ना। अब यहां पे देखो जरा, इसके अंदर से वेरिएबल एंड फिक्स पोर्शन निकालना हो, जैसे इस कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल पोर्शन था ना, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। और फिक्स कॉस्ट निकालना हो तो एट एनी लेवल टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे एग्जांपल में जो है यहीं पे देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा। चेंज इन टोटल कॉस्ट, कितना चेंज है कॉस्ट में? 210 माइनस 150 तो चेंज आ गया। डिवाइड बाय चेंज इन टोटल यूनिट्स, कितना यूनिट में चेंज है? 50,000 से 80,000 हो रहा है ना। बताओ जरा, ₹2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, मैंने बोला है किसी भी एक लेवल पे टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए तो फिक्स आ जाएगा। ये मान लो मैं 50,000 ले रहा हूं, एट 50,000 आप 80,000 पे भी कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितना है? 150,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2, 50,000 यूनिट इंटू 2 तो 50,000 आया फिक्स कॉस्ट। 80,000 पे करते तो इतना ही आता फिक्स कॉस्ट। देखो 80,000 पे 210,000 है टोटल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? 80,000 इंटू 2 तब भी इतना ही आएगा। यानी कि ये जो खर्चे हैं इसमें फिक्स खर्चा दोनों में कितना जुड़ा है? 50,000। वेरिएबल खर्चा कितना जुड़ा है? वेरिएबल खर्चा कितना जुड़ा है? ₹2 पर यूनिट। देखो ध्यान से, 50,000 प्लस ₹2 पर यूनिट, कितना यूनिट है? 50,000, 1.5 लाख आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। सिमिलरली दूसरे केस में 50,000 फिक्स है प्लस ₹2 पर यूनिट, यूनिट कितना है? 80,000, 210,000 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, ठीक है। चलो, यानी कि खर्चे को अगर बिहेवियर वाइज देखा जाए तो वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल। सेमी फिक्स्ड आपके सिलेबस में नहीं है, वेरिएबल मतलब जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन अनुसार वेरी करता है, ये पर यूनिट फिक्स रहते हैं। फिक्स मतलब टोटलिटी में फिक्स रहेगा, पर यूनिट जब निकालोगे तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये गिरते जाता है। सेमी वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स्ड भी है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। इसमें से अगर फिक्स और वेरिएबल अलग करना हो तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं तो किसी भी लेवल पे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए। चलो यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, ये आपको वेरी इजी लगेगा, मैं नहीं भी कराता तो चलता है। जो बच्चा कॉस्ट शीट पढ़ चुका उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग कुछ नहीं है। यूनिट कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं यूनिट से। टोटल कॉस्ट निकालने में जो कॉस्ट शीट में हमने देखा उससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, आराम से करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ जरा। फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा टू मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड आउटपुट ड्यूरिंग 4 वीकेंड 20th Feb, देखो एक महीने का डेटा है, कह रहा है 4 हफ्ते जो कि एंड हो रहा है 28 Feb को, यानी कि पूरी फरवरी मंथ का डेटा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, मशीन कितना घंटा चला और किस रेट से मशीन का खर्चा आता है, मशीन ओवरहेड ये दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है,
ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, जब भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का दे 13%, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या लेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेना है। सेलिंग ओवरहेड दिया है 20 पर यूनिट, जितने भी यूनिट सोल्ड होंगे उस पर लगता है। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड है 10,000 और सेल्स रुपीज कितना है पर यूनिट 120। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट। अब देखो, जो बच्चा कॉस्ट शीट कर रखा है उसको ये चैप्टर क्या ही मुश्किल लगेगा। सबसे पहला क्या खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 4 लाख। फिर आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है जरा देखना सर, 3,200 घंटे मशीन चलता है और 1 घंटे चलने का खर्चा है 40। ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्यों माना मैंने, क्योंकि ये फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज में एक्सप्रेस है। चलो फटाफट से करो, ये तो हो जाएगा 640। इसमें जोड़ देंगे 1,28,000, तो ये आ जाएगा 7,68,000। 10% वर्क कॉस्ट का, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड ये कितना है, तो ये है 20 पर यूनिट और 10,000 यूनिट बन के बिके हैं। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है, 10,44,800। इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो आता है सेल्स, है ना, हमें सेल्स पता है 10,000 यूनिट 120 का रेट 12,00,000। क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है कॉस्ट बताओ और दूसरा पूछा है प्रॉफिट बताओ। ठीक है, ये तो कॉस्ट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट पर यूनिट नहीं बोला है, अच्छा पर यूनिट भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो यूनिट से, प्रॉफिट बोला है तो हमेशा मानना प्रॉफिट इन टोटलिटी में पूछ रहा है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ना, बहुत ही छोटा, एक तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग छोटा वो चैप्टर है, उसमें भी बैच कॉस्टिंग भी बहुत ही छोटा यूनिट टॉपिक है। ठीक, हमेशा इसमें से भी आते रहता था पहले जब ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपको मैं बता दूं कि बैच कॉस्टिंग पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, देन मई 18 का जो सिलेबस आया वहां एक दो अटेम्प्ट के बाद बैच कॉस्टिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले लिखो मीनिंग, फिर मैं आपको समझाता हूं।
बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का एक मेथड है बैच कॉस्टिंग। Which is used to determine cost of batch where goods are produced in batch, जहां पे भी goods बैच में प्रोड्यूस होते हैं वहां पे एक बैच में कितना खर्चा आ रहा है निकालने को जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच का मतलब क्या हुआ? सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस सिमल्टेनियसली, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स जब एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो उसको बोलते हैं बैच, है ना। आपने देखा होगा एक बेकरी वाले को कि जब वो बेकरी में चीजें बेक करता है तो माइक्रो ओवन जब वो हीट करता है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एक साथ बेक करता है। कल मैंने जिलेबी वाले का एग्जांपल दिया, समोसे तलने का एग्जांपल दिया, साथ ही में मैंने ये बताया कि मेडिसिन इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बनती है वो भी कैसे बनती है बैच में, टॉय इंडस्ट्री में जो टॉयज बनती है वो भी कैसे बनती है बैच में, जहां पे एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एक साथ बनता है, एक बैच में बनता है, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे कि कल मैंने समझाया था आपको कि होता है यूनिट कॉस्टिंग, कहां पे यूज करते हैं याद करो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड हर एक प्रोडक्ट पे जो खर्चा लगता है वो सेम होता है, आइडेंटिकल कॉस्ट, है ना। मैंने बोला था जहां पे भी लार्ज वॉल्यूम आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, सेमी प्रोडक्ट बन रहे और हर एक यूनिट पे सेमी कॉस्ट लग रहा है, वहां पर यूनिट खर्चा निकालना हो तो यूनिट कॉस्टिंग मेथड लगाएंगे। सिमिलरली एक होता है बैच कॉस्टिंग, जहां पे भी बैच में गुड्स बनती है वहां पे अगर हमें एक बैच का खर्चा निकालना हो तो इसके लिए पड़ रहे हैं बैच कॉस्टिंग, है ना। चलो एक काम करो, बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे गुड्स आर प्रोड्यूस इन बैच, ठीक है। मैंने बोला था एक जॉब कॉस्टिंग भी होता है, जॉब का मतलब वो गुड्स या वो सर्विस जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार हम बना रहे हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, ये सारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार होता है। वैसे ही एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम पढ़ाते थे, घर बनाना हो गया, ये भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हिस्सा है जो कि अब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जहां पे भी गुड्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार बनता है वहां पे जॉब कॉस्टिंग लगाते हैं, क्योंकि हर एक जॉब का हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट का अलग कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन कस्टमर स्पेसिफिकेशन, अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब हम बैच कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो एक बैच में जो गुड्स बन रहा है उसका कॉस्ट निकालना हो, कॉस्ट ऑफ बैच कैसे निकालेंगे, अरे जितना भी खर्चे लग रहा है एक बैच बनाने में उसको जोड़ दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आता है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट,
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कौन सा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने क्या बोला, अगर ये परसेंटेज दिया फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट लेबर का, तो इसको क्या एज्यूम करना चाहिए हमें, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। एंड ये आ जाएगा आपका एक बैच बनाने का कॉस्ट, और कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बैच का ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ बैच, और देख लेंगे एक बैच में कितने यूनिट बन रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे यूनिट इन बैच, तो एक यूनिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे एक बैच में अगर 50 यूनिट्स बनता है, तो ये जो खर्चा आएगा ये कितने यूनिट का आएगा, 50 यूनिट्स का, मान लो ये 1 लाख है, तो 1 लाख कितने यूनिट का है, एक बैच का, और एक बैच में है कितना, 50 यूनिट्स, पर यूनिट ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। एसी ओन्स अ बेकरी विच इज यूज टू मेक बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्री, केक, मफिन्स, ठीक है। एसी यूज टू बेक एटलीस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट अ टाइम। अब होता क्या है, बेकरी है जहां पे हम बेक करते हैं, तो एक बार में एक एक आइटम तो बेक करते नहीं होंगे, मान लो पेस्ट्री बनाने या मान लो मफिन्स बनाने, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ मफिन्स एक साथ बेक करते होंगे, है कि नहीं। तो ये कह रहा है 50 आइटम्स एक बैच में कितने होते हैं, 50 यूनिट्स, ठीक। अ कस्टमर हैज गिवन ऑर्डर ऑफ 600 मफिन्स। अब देखो 600 बनाने के लिए कितना बैच बनाना पड़ेगा, एक बार में हम 50 बनाते हैं तो नंबर ऑफ बैच 600 डिवाइड बाय 50, 12 आएगा, ठीक है। टू प्रोसेस अ बैच, एक बैच को बनाने के लिए फ्लोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, एंड ओवन सेटअप, जब भी हम बेक करते होंगे ओवन को हीट करना पड़ता होगा, सेटअप करना होता पड़ता होगा, रेडी करना पड़ता होगा, उसके लिए खर्चा ये रहा, ठीक है। एसी जो कि अपनी कंपनी है, ऑब्जर्व प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, 20% ऑन डायरेक्ट वेजेस, 10% इज एडेड टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 10%। एसी रिक्वायर्स प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल वैल्यू, डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ 500 मफिन्स। हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 600, ठीक है, देखना जा रहा है। पहले तो कॉस्ट निकालते हैं, प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट कितना है, 500, है ना, 500 एक बैच का, कितने बैच बना रहे हैं, 12, डायरेक्ट लेबर ये कितना है, तो डायरेक्ट लेबर है 50, सेटअप कॉस्ट देखो जरा, सेटअप कॉस्ट है 150, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड
ठीक है, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ये कितना है 600 का 20%, 120 कितना आएगा 6000 प्लस 600 प्लस 1800 प्लस 120, ये आया 8520। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए कितना देना है, 10% किसका, ये रहा दिया जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसमें आप जोड़ दोगे प्रॉफिट तो ये आ जाएगा सेल वैल्यू। कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट देना है 25% ऑन सेल, इसको अगर 100 मानता हूं तो प्रॉफिट 25 हो जाएगा, क्योंकि सेल्स का 25% देना है, तो कॉस्ट कितना होगा 75। अब बताओ अगर मुझे यहां पे सेल्स निकालना हो तो ऐसे निकलेगा, अच्छा ये तो पूछा था 600 मॉफिन्स का, अगर एक मॉफिन्स का पूछता तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन मॉफिन्स ठीक है, पर ये पूछा नहीं है, पूछा क्या है सिर्फ सेल्स बताइए 600 मॉफिन्स का। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हमेशा आपको क्या करना है ना, दो कॉपी रखा करो, एक तो नोट्स के लिए जब जब नोट्स लिखाऊं वहां पे लिखो, और एक प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। इससे हो क्या जाएगा कि नोट्स रिवाइज कर लोगे और फिर बैठ के क्वेश्चन देखोगे तो बार बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हाँ जी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इट इज अ बैच साइज या बैच क्वांटिटी एट विच सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट, है ना, इज मिनिमल। देखो जहां पे भी गुड्स बैच में बनते हैं ना, मान लो यहाँ रॉ मटेरियल आता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ना ये हो रहा है बैच में, ठीक है, बैच में मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम एक साथ बनते हैं, ठीक। वहां पे ध्यान देना, कुछ तो ऐसे खर्चे होते हैं ना जिसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, अरे जितना बनाओगे उतने पे लगेगा, है ना। मान लो एक यूनिट पे 30 रुपया लग रहा है तो 1000 बनाओगे तो 30,000 लगेगा पूरे साल में, अगर वन ईयर में आप 1000 यूनिट बना रहे तो, ठीक। तो इसको तो कोई लेना देना नहीं, जितना बनाओगे उतना ही लगेगा। कुछ खर्चे होते हैं जो कि होते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड इन टोटलिटी, जैसे कि मान लो 50,000, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल 50,000 ऐसा खर्चा है जो कि फिक्स है, तो आप एक बनाओ या 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ, 50,000 तो लगना ही लगना है पूरे साल में, है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन में लगता है, जो कि जितना बनाओगे उतना लगेगा, साल भर में अगर 1000 यूनिट बनाते हो 30,000 लगेगा, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये टोटल प्रोडक्शन कितना कितना किस मंथ में हो रखा है ना, टोटल जितना बनेगा उतने पे खर्चा लगेगा,
जिस महीने में जितना बनेगा उतने यूनिट पे खर्चा लगेगा। ये टोटल अगर एक साल का है तो एक साल में 50,000 लगेगा ही लगेगा, चाहे आप बनाओ या ना बनाओ। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन बैच साइज। क्या ये बैच साइज पे डिपेंड करता है? ऐसे तो करता है, जितना बैच बनाओगे उतना करेगा। पर मान लो 1000 मुझे साल भर में बनाना है तो 1000 में 30,000 लगेगा ही लगेगा। अब 1000 10 बैच में बनाइए, 1000 5 बैच में बनाइए, 1000 एक बैच में बनाइए, 1000 100 बैच में बनाइए। इस खर्चे को कोई लेना देना नहीं, 1000 बन रहा है तो 30,000 लगेगा लगेगा। तो कहने का मतलब टोटालिटी में इसे ये भी डिपेंड नहीं करता बैच पे, ये तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जितना क्वांटिटी बनाओगे उतना लगेगा, कितने के बैच में बना रहे हो इसको कोई लेना देना नहीं। अगर एक साल में 1000 बन रहा है तो 30,000 डायरेक्ट कॉस्ट लगेगा लगेगा 30 के रेट से, ठीक है। दूसरा जो फिक्स खर्चे है इसको भी बैच से लेना देना नहीं। और कौन से फिक्स बोल रहा हूं? जो फिक्स है इन टोटालिटी, साल में इतना लगना है तो लगना है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बैच के साइज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सेटअप कॉस्ट। मान लो मैं कहता हूं, जैसे हमारा बेकरी का एग्जाम्पल था, बेकरी में सेटअप करना पड़ता है। सेटअप मतलब मशीन को सेट करना पड़ता है, प्री हीट करना पड़ता है। जो ओवन होता है जहां पे बेक होता है वो प्री हीट होगा, सेटअप होगा, उसके बाद बेक होके आएगी। तो सेटअप का खर्चा है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज या 5 रुपीज ले लो, 5 रुपीज। तो ये डिपेंड करता है जितने बार सेटअप करोगे पूरे साल में उतने में लगेगा, है कि नहीं। हमारे केस में एक साल का मैंने डेटा लिया था इसीलिए एक साल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मान लो एक बैच में मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो 1000 बनाने के लिए कितना लगेगा? नंबर ऑफ बैच कितना हो जाएगा? 1000 बनाना है, एक बार में 100 बनाता हूं तो 10 टाइम्स बनाना पड़ेगा। तो सेटअप का खर्चा कितना लगेगा? 10 टाइम्स सेटअप करनी पड़ेगी और एक सेटअप का कितना है? 5 रुपीज, 50 लगेगा। सिमिलरली अगर एक बैच में मैं 500 बनाने लगू तो दो ही बैच बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बैच हो जाएगा 2। सेटअप का खर्चा कितना लगेगा? 2 × 5 10 रुपीज, है कि नहीं। तो यानी कि जो सेटअप का खर्चा है वो बैच पे डिपेंड करता है। बैच का साइज अगर ज्यादा है, बैच का साइज ज्यादा है तो नंबर ऑफ सेटअप हो जाएगा कम, कम ही बार में बन जाएगा वो चीजें, तो सेटअप कॉस्ट भी आएगा कम। क्योंकि सेटअप कॉस्ट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ सेटअप इंटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। सिमिलरली दूसरा जो खर्चा है वो होता है होल्डिंग कॉस्ट। जो बैच में गुड्स बना रहे हैं उसको होल्ड करने का कॉस्ट, ये लगता है एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो कि हम निकाल रहे हैं इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, अगर परसेंटेज में है तो याद करो इकोनॉमिक, एक हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, याद करो, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में देख रहे थे कि कितना एक बार में ऑर्डर करें, यहां पे देख रहे हैं कितना एक बैच में बनाए, ठीक है। वहां पे लग रहा था हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पे क्या है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इनटू कैरिंग कॉस्ट। वहां पे परसेंटेज देता था तो परचेज प्राइस का परसेंटेज लगाते थे, हम मानते थे कि कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परचेज प्राइस। यहां पे कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सीओपी लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है उस पे लगाएंगे परसेंटेज, ठीक है। चलो, कहने का मतलब जैसे जैसे साइज बैच का बढ़ेगा कि एक बैच में कितना क्वांटिटी बनाना है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और बैच का साइज बढ़ता है तो नंबर ऑफ बैच कम आता है, सेटअप कॉस्ट कम लगेगा, सेटअप कॉस्ट कम लगेगा। और एक समय आता है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पे जो क्वांटिटी होगी ना उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। और यहीं पे जो कॉस्ट होता है ना सेटअप एंड उसका, वो होता है मिनिमम, ठीक है। निकालेंगे कैसे?
तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2AS डिवाइड बाई C। A का मतलब एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, क्या फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन यूनिट्स। S का मतलब सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, ये कैसे निकलता है अभी देखेंगे, कोई नहीं। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, यहां पे टोटल सेटअप कॉस्ट निकालना हो तो देखो, हमें साल में कितना बनाना है ये ले लो और डिवाइड कर दो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, एक बार में कितना बनाते हैं, तो आ जाएगा नंबर ऑफ सेटअप, कितने बार सेटअप करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ सेटअप को पर सेटअप कॉस्ट कितना इंटू कर दोगे तो टोटल सेटअप का कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट निकालना हो तो हाफ ऑफ EBQ, ये क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्रीज को बोलते हैं, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट को ही क्या बोलेंगे, होल्डिंग कॉस्ट। और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, जहां पे एट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, जहां पे दोनों बराबर होंगे वहीं पे इनका सम जो टोटल कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है। आ जाओ, मंथली डिमांड दिया है ये रहा, तो एनुअल डिमांड निकालना हो तो इनटू 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 500 इंटू 12 करोगे तो 6000। सेटअप कॉस्ट दे रखा है 60, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये दे रखा है, इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं बोल रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको, स्टोरेज कॉस्ट या फिर जो होल्डिंग कॉस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल जो उसमें फंसा है, एब्सोल्यूट रेट हो गया, नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट हो गया, ये सारे जोड़ के बने होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ये किस पे परसेंटेज लगाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो बताओ नहीं निकल जाएगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सिक्स हंड्रेड यूनिट्स आएगा, यानी कि एक बारी में हमें कितना बनाना चाहिए, 600 यूनिट। चलो, मिसेस केबीसी बियरिंग लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई दिस मच बियरिंग पर एनम, ये क्या है, एनुअल डिमांड। किसको सप्लाई करेंगे, KMR फैंस ऑन स्टडी डेली बेसिस, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड कॉस्ट 1 rupees एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग, पर यूनिट ही हमें चाहिए, पर मंथ, क्या पर मंथ चाहिए, नहीं पर एनम चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट 1 rupees पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे तो पर एनम आ जाएगा। सेटअप कॉस्ट पर रन, एक बार सेटअप रन करने के लिए, पर रन बोलो या पर सेटअप बोलो, ठीक है, एक बार सेटअप करने के लिए सेटअप का खर्चा कितना आता है, इतना। पूछा क्या है, ऑप्टिमम रन साइज बताइए, ये क्या है ऑप्टिमम रन साइज, पूछ रहा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताओ कि एक रन में, एक बार सेटअप में कितना बनना चाहिए, 2AS डिवाइड बाई C कर दो, फाइव जीरो, 5.9.6 आ रहा है, 60 यूनिट, राउंड अप कर देना यूनिट को,
स्टेट व्हाट वुड बी इंटरनल इंटरवल बिटवीन टू कंजुकेटिव प्रोडक्शन रन। देखो जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पूछता था ना कि दो ऑर्डर के बीच का इंटरवल बताइए, यहां पूछ रहा है दो प्रोडक्शन रन के बीच का इंटरवल बताइए। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेटअप निकाल लेंगे। देखो नंबर ऑफ सेटअप का फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइड बाई इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। हमें बनाना 48,000 है और एक बार में इतना बना रहे, तो कितनी बार बनानी पड़ेगी, ये आ रहा है 9.48 या 49 टाइम्स। इतना भी रख सकते हैं या इसको राउंड अप कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। मत पूछना सर राउंड अप करे या ना करे, एजम्पशन ले लो, इंस्टीट्यूट दोनों आंसर सजेस्ट करता है। आप एजम्पशन लोगे कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में तो कई बार इंस्टीट्यूट राउंड अप नहीं किया है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इंस्टीट्यूट राउंड अप कर देता है। चलो हाँ, टाइम इंटरवल कुछ पूछा है क्या, कितना दिन लेना है साल में, नहीं बोला तो 365 डेज। हमें पूरे साल में 10 बार बनाने हैं, है ना, 10 बार सेटअप करके बनाने हैं, तो दिस डिवाइड बाय 10 टाइम्स करोगे तो एक बार कितने कितने दिन में हमें बनाना पड़ेगा, 36.5 डेज, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा है, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, ये इन्वेंट्री का होल्डिंग कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ ईवीक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट, जो कि कितना है 12। ठीक, चलो जॉब कॉस्टिंग, चलो चलो जॉब कॉस्टिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो थोड़ा बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंस ये यूनिट बैच एंड जॉब कॉस्टिंग छोटा छोटा है तो फटाफट से खत्म करते हैं। जॉब कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, एक होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्टिंग है तो कॉस्ट तो निकालना है, लेकिन किस चीज का, स्पेसिफिक ऑर्डर का। जहां पे भी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अनुसार प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्टिंग करने के लिए हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं। इसमें दो होते हैं, एक तो अगर शॉर्ट टर्म नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म नेचर का प्रोडक्ट है। शॉर्ट टर्म नेचर जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, ऐसा चीज हम बना के दे रहे हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लंबे लंबे सालों साल समय नहीं लगना है। लॉन्ग टर्म नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा चीज जो हम बना के दे रहे हैं जो कि लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाना है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार बना के देते हैं, पर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं। जॉब कॉस्टिंग का है जहां पे भी शॉर्ट टर्म नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम समय में वो चीजें बन जाती है, उसकी कॉस्टिंग अगर हमें निकालना हो, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार बनाए हैं तो हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार कस्टमाइज चीजें हैं, तो कॉस्ट भी यूनिक कॉस्ट आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग के अनुसार नहीं निकाल सकते कि टोटल खर्चे लिए और टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, हर एक कस्टमर का अलग से कॉस्ट निकालना पड़ता है, ठीक। वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर स्पेसिफिकेशन। बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल दे दी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट मुझे बनवानी हो
तो एडवर्टीजमेंट बनाने वाली कंपनी जो जैसा इंसान एडवर्टीजमेंट बनाता है उसकी रिक्वायरमेंट अनुसार बना के देता है, इंटीरियर डेकोरेशन डेकोरेशन वर्कशॉप हो गया, प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। अब देखो मान लो मैं कोई भी सर्विस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एडवर्टीजमेंट बना के देता हूँ कंपनियों को, वो मेरे पास आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, मैं एक एड बना के देता हूँ, ठीक। अब बताओ हर एक कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार मैं बना के दूंगा और हर एक का कॉस्ट अलग आएगा मुझे बनाने में, तो हर एक के लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा कितना खर्चा लगा और प्रॉफिट जोड़ के कितना मैं प्राइस चार्ज करूँ, करेक्ट। खर्चे कैसे निकालते हैं, अरे जितना भी डायरेक्ट मटेरियल लगा डायरेक्ट लेबर लगा ले लो, ओवरहेड का खर्चा एक बेसिस पे चार्ज कर दो, ठीक है। तो यही सीख रहा है। जॉब सीट कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखोगे जिस कस्टमर है उसका नाम, यहां पे लिख दोगे जॉब नंबर, क्योंकि जो कंपनी है वो तो बहुत सारे जॉब कर रही होगी, है ना, बहुत अलग अलग कस्टमर के अलग अलग काम कर रहे होंगे, तो हर एक कस्टमर के लिए एक जॉब नंबर एलोकेट होता है, वो लिखेंगे यहाँ पे। एडिट एंड खर्चे कैसे लिखते हैं, ये देखो पर्टिकुलर्स, जितना भी खर्चा लगा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगा, किसी भी जॉब का कॉस्ट निकालना हो तो उस जॉब पे की जितना भी खर्चा लगा सबको एक जगह लिख देना है, उसी को बोलते हैं जॉब सीट, है ना। डायरेक्ट लेबर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी सारा जोड़ दोगे तो ये आता है प्राइम कॉस्ट, करेक्ट। इसमें ऐड करना है क्या चीज, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मान लो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उसका खर्चा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखोगे आ जाएगा टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ दो जितना आपको चाहिए तो ये आ जाएगा सेल्स बोलो या फिर प्राइस टू बी कोटेड, उस जॉब के लिए हमें कितना प्राइस कोट करना चाहिए। कई बार एग्जाम में आता है बोलता है बताइए ये खर्चे हैं एक जॉब आया है कितना प्राइस कोट करना चाहिए, सारे खर्चे ले लो बचा हुआ प्रॉफिट अपना जोड़ दो। जैसे कि अभी तक कॉस्टिंग कर रहे थे, कॉस्टिंग है ही क्या, किसी भी चीज का खर्चा निकालना है जितना लगा है सारे खर्चे को जोड़ दो, डायरेक्ट खर्चा दे रखा रहेगा जैसे कि ये डायरेक्ट खर्चे हैं, ओवरहेड का बेसिस दे रखा होगा ओवरहेड कैसे चार्ज करना है, जो भी बेसिस दिया है चाहे पर यूनिट दिया है पर लेबर आवर दिया है परसेंटेज बेसिस दिया है, जो भी क्वेश्चन में बेसिस दिया हुआ है उसके बेसिस पे चार्ज करते हैं। कुछ ना बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देगा किस बेसिस पे ओवरहेड को चार्ज करना है। चलो देखना जरा, अ सब फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंट द फ्लोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303, एक जॉब है 303 उसके लिए ये खर्चा दे रखा है और कह रहा है डिटरमाइन करिए सेलिंग प्राइस, कह रहा है मटेरियल इतना लगा लेबर का इतना लगा चार्जेबल एक्सपेंस ये लगा और ये जो आ गया ये टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है प्राइम कॉस्ट है, और कह रहा है उसमें 1/3 हमने जोड़ दिया एक्सपेंस कॉस्ट, ये क्या है ओवरहेड का खर्चा और ये आ गया टोटल कॉस्ट। ये तो सुपरवाइजर प्रेजेंट कर रहा है और लास्ट ईयर का जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दे रखा है वो ये है कि कितना कितना खर्चा आया कितना हमने प्रॉफिट कमाया,
इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट ऑफ थ्री डिपार्टमेंट आर सिमिलर। ध्यान से देखना, तीनों डिपार्टमेंट का आवरली रेट सेम है। क्यों? इसमें 8 घंटे किया, इसमें 6 घंटे किया, इसमें 4 घंटे काम हुआ, ठीक है। तो 6, 8+6+4 आते हैं 18, और सबका रेट सेम है 2.5, तो यह 45 लेबर आवर ऐसे निकला है। पूछ कह रहा है जॉब कॉस्ट शीट बनाइए, कैलकुलेट एंटायर रिवीजन कॉस्ट यूजिंग ये जो हमें ईयर दे रखा है ना, इस ईयर को बेस मान के हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। सुपरवाइजर क्या बोलता है इसको छोड़ो, हमें कॉस्ट निकालना है, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। कैसे? ये जो साल दे रखा है हमें इसको बेस मान के, यानी कि डायरेक्ट खर्चा तो वो है जो लगते हैं जितना हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये हर एक जॉब पे अपना डायरेक्ट खर्चा दिया रहेगा। पर ये जो ओवरहेड का खर्चा है ये कैसे निकालेंगे? तो ये ओवरहेड का खर्चा का जो बेसिस है वो पिछले साल के डेटा को यूज करके निकालेंगे। कह रहा है जो भी कॉस्ट है उसमें 20% जोड़ दीजिए सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों, ये जो पहला क्वेश्चन है सॉरी ये जो पहला क्वेश्चन है ये जर्नल एंट्री है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो चैप्टर है ना उसमें हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जर्नल भी सीखेंगे, जर्नल एंट्री कॉस्टिंग में कैसे पास होता है, साथ ही में लेजर भी सीखेंगे। तो जब वो सीख लोगे ना तो ये बहुत ही बेसिक लगेगा। अभी जर्नल एंट्री में पढ़ा भी दूं तो बड़ा ही डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा लॉस अबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। जब तक वो डिटेल में ना समझाया जाए अच्छे से आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये कब करना है आपको? जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लो। ये चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, आने वाले टाइम में करने वाले। क्या बनाने को बोला है? जॉब कॉस्ट शीट, करेक्ट। हमें जॉब नंबर दे रखा है 303, यहां पे नेम लिख देना, चलो। उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, ध्यान से देखना। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर भी दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? तो सर डायरेक्ट मटेरियल है 70 रुपीज। अच्छा, डायरेक्ट लेबर तीन डिपार्टमेंट है ना, एक्स वाई जेड, इसमें 8 घंटे, इसमें 6 घंटे, इसमें 4 घंटे काम हुए। रेट क्या है? सबका सेम है 2.5 2.5 2.5। ये 20 आया, ये 15 आया, ये 10 आया, तो ये आ गया 45। क्या यही रेट 45 ये रहा चार्जेबल एक्सपेंस? ये कितना है? 5। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ओवरहेड। ध्यान से देखना, जो सुपरवाइजर है वो सीधा 1/3 चार्ज कर दिया है इस खर्चे का, ऐसे में नहीं करना। हमें क्या बोल रहा है? पिछले साल के एज अ बेस बनाओ। ओवरहेड का जो खर्चा है ना, सबसे बढ़िया बेस क्या है? तो देखो डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है, यहाँ पे वेजेस के बेसिस पे रिकवर कर लेंगे ओवरहेड को, है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्स डिपार्टमेंट को देखो, पिछले साल ओवरहेड 5000 इनकर्ड हुआ, जब डायरेक्ट वेजेस था 10,000। तो 5000 डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो 50% आ रहा है, इनटू इस साल इस जॉब पे कितना लगा है, ये रहा, इस जॉब पे कितना लगा है? 20 रुपीज। वाई का देखो, 9000 ओवरहेड है एंड 12,000 लेबर आवर है, 9000 डिवाइड बाई 12,000, ये तो आ गया कितना परसेंट, इनटू इस बार कितना है लेबर कॉस्ट? 15।
जेड के लिए देखो 2000 ओवरहेड है, 8000 क्या है लेबर कॉस्ट। अब देखो 2000 डिवाइड बाई 8000 करोगे तो आ रहा है 0.25, यानी कि 25% लेबर कॉस्ट का हमें इस बार रिकवर करना है। इस बार लेबर कॉस्ट कितना है 10, तो यह आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना, हमें यह बताया नहीं कि इस जॉब में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा लेना है कि नहीं लेना है। यूजुअली होता क्या है, जब भी स्पेसिफिक जॉब आता है लॉजिक तो यह कहता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर ना दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि जो रेगुलर प्रोडक्ट है हो सकता है उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता हो, लेकिन स्पेसिफिक जॉब आया उस पर सेलिंग का खर्चा है, ये लॉजिक से बाहर है, है ना, क्योंकि वो तो जॉब हमारे पास आ रखा है ऑलरेडी। लेकिन अगर नहीं बोला है तो पिछले साल अगर सेलिंग का एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है तो हम मानेंगे इस बार भी सेलिंग का एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है। एंड यहां पे वर्किंग नोट लिखो, नंबर वन नोट क्या लिखोगे कि जो ओवरहेड है वो रिकवर्ड हुआ है, ओवरहेड इज रिकवर्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दूसरा सेलिंग एक्सपेंस इज रिकवर्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। Alternatively, it can be recovered as percentage of sales. चलो कह रहा हूं मैं, सेलिंग का जो खर्चा है वर्क कॉस्ट के बेसिस पे, फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे हम रिकवर कर रहे हैं। पिछले साल देखोगे 20,000 सेलिंग का खर्चा आया जब 2,00,000 फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट था, 20,000 आया था जब 2,00,000 था, तो इस जॉब पे कितना वर्क कॉस्ट है 143.75, तो कितना आएगा, यह टोटल कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा सेल्स या फिर प्राइस लिख दो, सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा प्रॉफिट कितना जोड़ना है, 20% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट इसका 20%, इसका 20% करोगे यार 189.76। अच्छा इस नोट्स में एक चीज मैंने लिखा है, इट कैन बी रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, लॉजिक तो ये कहता है कि सेलिंग एक्सपेंस सेल्स के बेसिस पे रिकवर्ड होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में कॉस्ट के बेसिस पे रिकवर किया है। अब देखो पिछले साल का किसी बेस पे रिकवर तो करना है, पर अगर कॉस्ट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने रिकवर किया है तो हम क्या कर सकते हैं हम भी कॉस्ट के बेसिस पे रिकवर कर लेंगे, है ना। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट का आंसर कई बार हमें मैच करना पड़ता है, जहां पे अल्टरनेटिव एजुम्पशन लिया जा सकता है, जहां पे भी कंप्लीटली डिफर है कि टेक्निकली मिस्टेक है आंसर, वहां पे तो कोई बात नहीं, मिस्टेक है, हमें उस आंसर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर सेल्स के परसेंटेज बेसिस पे देखते हैं तो कितना आता, जब देखो 20,000 है और सेल्स कितना है
250,000। या 8%। पर एक छोटा प्रॉब्लम है, हमें तो प्राइस निकालना है ना, प्राइस कोट करना है, और प्राइस है नहीं, तो बेहतर है कॉस्ट के बेसिस पे करो, वो निकालना संभव नहीं है। अगर होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन है जहां पे पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल होता तो हम क्या करते, सेल्स के बेसिस पे भी करना बेहतर होता है। लेकिन ये टाइप का जो ये क्वेश्चन आता है और इसके वर्जन आते हैं, इसमें हमेशा कॉस्ट का ही लिया होता है। ठीक है, जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी निकाल सकते हैं आप, एंड सम टाइम सेल्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो।